दोस्तों वेलकम टू माय चैनल कुंवर दी बुलेट किंग। तो दोस्तों आज नए साल में हम आ गए हैं एक नई जगह पे जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, इकलौती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो मंदिर है, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये पूरा एक युग है, एक चार धाम के बराबर है। और ये मतलब पूरे दुनिया में सर इकलौता मंदिर है दोस्तों। तो पूरा देखना, एंड तक देखना, पंडित जी का देखना। और आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे भाई आशीष भाई भी आए हुए हैं, जो कि आशीष भाई मेरे फ्रेंड हैं, बड़े भाई जैसे हैं। और आशीष भाई से भी आप मिलेंगे, तो एक बार मैं उनसे इंट्रो करवा देता हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। आशीष भाई कुछ बोलना चाहोगे भाई लोग व्यूअर्स को? हेलो फ्रेंड, दिस इज आशीष मिश्रा। सबसे पहले थैंक यू प्रशांत जिसने मौका दिया, थैंक यू आपको, क्योंकि आपने मुझे बोला यहाँ चलने के लिए। आज हमने जो आपको दिखाया है, ये हमारे हिंदू मैथोलॉजिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। युगों का मंदिर पूरी दुनिया में नहीं है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, कुछ चीज़ें नहीं जानने को आपको मिलेगी। बिल्कुल, हमने उसमें डाला है। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट भी कर देना, कमेंट जरूर करिएगा उसमें, और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू, सी यू। लुक एट दी हाइट यार, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला है ना याश भाई? हाँ, सबसे ऊपर की मंजिल है माता जगदम्बा बैठी हुई है, जगदम्बा। दोस्तों ये 5 मंजिल का है, मतलब सीरियसली मैंने भी इस तरह का तो देखा नहीं है। आप देख सकते हैं मंदिर की खासियत, बहुत ज़्यादा मतलब ना मॉडर्न है ना बहुत ज़्यादा पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप व्यूअर्स को दिखाएंगे यहाँ पे, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें और दिखेंगी यहाँ की। एक और खासियत, यहाँ मंदिर में हमेशा ये मधुमक्खी का छत्ता लगा रहता है। अच्छा, और ये तो अभी काफ़ी छोटे हैं, अगर आप इसको गर्मी के सीजन में आएंगे तो काफ़ी बड़ा आपको दिखेगा ये। ओके, अंदर ये लगभग कितने साल पुराना होगा आपके हिसाब से? कितना पुराना होगा ये? अकॉर्डिंग टू मी इस मंदिर को कम से कम 50-60 साल से तो पुराना हो गया होगा। अच्छा, जब उन्होंने बनाया है। ओके, और इस बात की तो फुल गारंटी कि ऐसा मंदिर पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, मतलब ये वन ओनली वन इन द वर्ल्ड? बिल्कुल, पूरी दुनिया में इकलौता है, पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कभी किसी ने सोचा होगा ऐसा मंदिर बनाने का। ओके, साफ सुथरा एकदम सफेद है, किसी पाप का निशान हो सकता है, कोई पाप था ना ही, लोग चोरियाँ करते थे ना ही कुछ करते थे। जो हमारा धरती जब शुरू हुई थी उसका पहला युग सतयुग संतों वेदों का युग, इसलिए मूर्ति एकदम सफेद है, इसको एक सिंबल दिया गया है, इस युग में ना कोई पाप था ना ही कुछ ऐसी चीज़ें। पहला युग देख लिया आपने, बहुत ही क्लीन, बहुत ही वाइट क्लियर, क्योंकि उस जमाने में ना कोई पाप था ना कुछ, तो एकदम क्लीन बनाया हुआ है। अब हम चल रहे हैं दूसरे माले पे। त्रेता युग, हाँ, ये दूसरा युग है त्रेता युग, जिसमें हमारे चवापू वंश का जन्म हुआ, मिहारी राजा रामचंद्र जी महाराज के वंश का जन्म हुआ, राजा रामचंद्र महाराज के बारे में सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, त्रेता युग आपको दिख रहा होगा, मूर्ति का रंग थोड़ा थोड़ा सा बदला। बिल्कुल, क्योंकि इस युग में थोड़ी बहुत हिंसा हुई, राजाओं के झगड़े हुए, माता सीता का हरण हुआ, तो ये एक सिंबल में ये बताना चाह रहे हैं जिसने इस मंदिर को बनाया है कि त्रेता सतयुग में कुछ भी नहीं था, साफ सुथरा था, जब हम त्रेता युग की ओर बढ़े तो हल्की सी बुराइयां, हल्की सी बुराइयां आने लगी, लोगों में आने लगी, तो रंग को बदल करके वही दिखाना चाह रहे हैं। अभी आप और देखेंगे, बिल्कुल युग रंग से कैसा सिंबल, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि त्रेता युग में मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका ये युग में सफलता से रह सकता है। तो दो फ्लोर हो गए दोस्तों, सतयुग देख लिया अपन ने, त्रेता युग देख लिया, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड फ्लोर, द्वापर युग। द्वापर युग हमने बहुत कम समय में दो युगों की यात्रा कर ली। सही बात है, युग की एक आयु होती थी, बिल्कुल एक समय चक्र होता था। यह द्वापर युग, वाह, ये तो कुछ विष्णु भगवान वाली फीलिंग आ रही है, मतलब वो युगों में उन्होंने जो मूर्तियां बनाई विष्णु जी की। अच्छा, चार बहुत करते ही हैं। अच्छा, ओके, क्योंकि हमारी मैथोलॉजी के हिसाब से हमारे जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु हैं, ब्रह्मा जी बनाते हैं, शंकर जी उसका विनाश करते हैं, और विष्णु जी चलाते और पालते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति बनाई गई है। अच्छा, ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसा कि मूर्ति का रंग थोड़ा सा और डार्क हो गया, और डार्क वैनिश हुआ है,
जैसे किसी चीज में धुआं लगने लगता है हाँ। उसका रंग धीरे धीरे ढल जाता है हाँ। क्योंकि इस युग में थोड़ा पाप और ज्यादा बढ़ा, महाभारत का युद्ध हुआ अच्छा, भाइयों और भाइयों में झगड़ा हुआ अच्छा, पाप बढ़ने लगा। ये है गौपर जी। तो दोस्तों तीन युग कंप्लीट हो गए हैं, हम चल रहे हैं चौथी मंजिल में, जिस युग में हम जिस युग में अभी हम हैं, जो ये इस प्रसाद इस युग की मूर्ति देख के आप भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाएंगे और अपने भी। बिल्कुल बिल्कुल। बनाने वाले ने इस युग की कल्पना कैसे करते हुए उस मूर्ति को बनाया है? वो टोटल ब्लैक, टोटल ब्लैक दोस्तों, पूरी मूर्ति टोटल ब्लैक है। मतलब आप खुद देखिए नीचे की मूर्ति कितनी सफेद थी, फिर उसके ऊपर हल्का पीलापन, उसके ऊपर हल्का नीला, और लास्ट में टोटल ब्लैक। ये कलयुग है भाई, कलयुग में पाप का युग है, पाप ही पाप है। द्वापर युग में राजा परीक्षित जो आखिरी राजा थे उनके पास जा करके कलयुग ने अपना स्थान मांगा, वहां से कलयुग की शुरुआत हुई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब जैसे मतलब ये मेरे लिए भी लाइफ में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं कटनी के पे कटनी के पास में ऐसा कुछ देख पा रहा हूँ। अच्छी भाई और ऊपर कुछ है ऊपर इन सब चीजों का जब मतलब ऐसा मारा जाता है कि हमारे जो खत्म होते हैं तो प्रलय आती है। अच्छा हाँ, करेक्ट, विनाश होता करेक्ट, है करेक्ट, तो चालू होता है करेक्ट, तो सखियों की शुरुआत होती है। ओके बहुत ही बढ़िया, मतलब पानी वगैरह और पहाड़ खेत, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। 105 फीट है इसकी ऊंचाई, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसको पूरा देखना, अभी बीच में मत छोड़ देना, अपन जो नीचे के जो मेन पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे। आशीष भाई कॉलेज में अध्यक्ष रह चुके हैं, कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा का अभी जिला संयोजक, भाजपा युवा मोर्चा के जिला संयोजक हैं भाई। और मतलब काफी दिनों से हमारा प्लान बन रहा था कि आशीष भाई यहाँ का एक वीडियो कवर करेंगे, तो नए साल में अपने को मौका मिला है न्यू ईयर में ये कवर करने का। ये सब हरकतें मत करना यार, मतलब आजकल तो नहीं होती है लेकिन अगर फिर भी कोई अगर हो तो प्लीज, इतनी अच्छी अच्छी जगह बनी हुई है इसमें ये सब नाम वाम लिखना ये सब बहुत बेकार लगता है यार। जी जो बद्री नारायण में तपस्या करते हैं सचों को प्राणी करते क्या थे, तो यहाँ चौपाई उतर देती है, दरवाजा में लिखी हुई है जी। करी हरी ध्यान तरही बहु प्राणी, सदयुग में प्राणी योगी थे, विशेष ज्ञानी थे, तपस्वी थे, हजारों वर्ष तपस्या सदयुग में प्राणी करते थे। स्वतः नारायण भगवान बद्री नारायण में तपस्या करते हैं, वही चीन है, ब्रह्म दंड लिए हुए हैं, कमंडल लिए, माला लिए, मृगछाला पहने, मृगछाला के ऊपर बैठ करके तपस्या किया है। दूसरे मंजिल में त्रेता में है राम, त्रेता में प्राणी करते क्या थे, त्रेता विविध जग नर करें प्रभु समर भी कर्म बहुत करें, त्रेता युग में प्राणी अनेक प्रकार के यज्ञ आदि करते थे, हाथ में हाथ भगवान राम जी के, दूसरे हाथ में सुरुआ है स्वा स्वतः करने का, कि स्वतः की कमाई करके मानव प्राणी यज्ञ आदि करते थे। तीसरे मंजिल में द्वापर में भगवान कृष्ण है, द्वापर में प्राणी करते क्या थे, द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरहि पाइ न दूजा, द्वापर में भगवान राम जी के चरणों की पूजन अर्चन प्राणी करते थे, पूजक बन करके भगवान कृष्ण बैठे हैं। चौथे मंजिल में है कलयुग भगवान, कलयुग में इस समय क्या करना चाहिए,
कलियुग के वाला हरिगुण गाहा गावत नर पावन धोथा हा। कलियुग में भगवान का गुणान बाद ही करते रहेंगे तो अथार संसार सागर से पार हो जाएंगे। 432,000 वर्ष कलियुग की आयु है। अच्छा, सतयुग की आयु यदि निकालनी है तो 432,000 वर्ष में 4 का गुणा कर दे तो सतयुग की आयु निकलती है 17,28,000 वर्ष, जिसमें ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष पर्यंत राज किया है। जो राजा उत्तानपाद थे उनकी दो रानियां थी, एक का नाम था सुनी, दूसरे का नाम था सुरुचि। सुनी से ध्रुव पैदा हुआ था। सौत या डाय उत्पन्न होने के कारण से 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जंगल भाग जाता है, तपस्या करता है। वही ध्रुव आगे चल करके 36,000 वर्ष पर्यंत राज करता है। उस समय मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष की थी। 432,000 वर्ष में 3 का गुणा कर दें तो त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष पर्यंत राज किया है। उस समय मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष की थी। 432,000 वर्ष में तो उनका गुणा कर दें तो द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। उस समय मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष की थी। अब आज का युग में मनुष्यों की आयु 120 वर्ष की है। 432,000 वर्ष कलयुग की आयु, जिसमें अभी 5,118 वर्ष ही कलयुग समाप्त हुआ है। आज 5,000 वर्ष पहले इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर की राज थी। भगवान कृष्ण इस धरा पर थे, इस प्रकार से पुराण ग्रंथ बतलाते हैं। 432,000 वर्ष में अंतिम चरण 821 वर्ष मात्र कलयुग शेष रहेगा। उस समय पर संभलपुर, जो कि उड़ीसा में है, संभलपुर में विष्णु नाम गौर ब्राह्मण के यहाँ भगवान अवतार लेकर के कल्कि नाम से विख्यात होंगे। काले घोड़े की सवारी कर उस समय राग का विनाश कर धर्म के स्थापना करते हुए पुनः सतयुग लगाएंगे। ऐसे चार युग, चारों युगों में भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह है कि जिस युग में जैसा कार्य हुआ उसी तरह से कार्यरत है। आज कलयुग में जो हो रहा उस चिन्ह से विभूषित कलयुग भगवान है। बाएं हाथ में तलवार है, दाएं में चक्र, इसलिए कि जिसकी लाठी उसी की भय। कहावत चरता क्षमत्र कदर चिन्ह है भगवान की। बाद में मंजिल में बिंध्यवासिनी जगदम्बा जी है। ऐसे ये चतुर्युग मंदिर 4 धाम से विभूषित है। सतयुग में बद्री नारायण धाम, दूसरे मंजिल में अयोध्या धाम भगवान राम, तीसरे मंजिल में द्वारका धाम भगवान कृष्ण, चौथे मंजिल में कलयुग भगवान जगन्नाथपुरी धाम है श्री अवध रामचंद्र की जय। पंडित जी, इंडिया में और जगह है ऐसा मंदिर भारत में? पूरे भारत में नहीं, पूरे भारत में नहीं है, मात्र यही मंदिर है। तो दुनिया का सवाल ही नहीं उठता, पूरी दुनिया में एक मंदिर है ये, पूरी दुनिया का एकलौता मंदिर है, 50 वर्ष पुराना मंदिर है। ये 34 वर्ष हुआ, 34 वर्ष 1980 से काम लगा है। 1984 में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अच्छा, पटेल चूना स्टोन कंपनी दादू भाई पटेल इसी गांव के हैं जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है। बहुत बढ़िया पंडित जी, पंडित जी बांध दीजिए और आशीर्वाद। बहुत बहुत अच्छा लगा पंडित जी के लिए, लाइक जरूर कर देना। कहाँ से आई है? कटनी से हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा ये सब भी करता रहता हूँ। अभी शौक है ये तो ये सब करना और लोगों को बताना चीज़ें। हर माल 30 रुपये। आशीष भाई, कुछ लेना तो नहीं आपको? मोटरसाइकिल लेना है हर माल 30 रुपये। ये बहुत बड़ी बात बोली भाई, 30 रुपये में मोटरसाइकिल, इसलिए हटा दो वहाँ से उसको। लुक एट द हाइट यार, मतलब बहुत ही बढ़िया है। 105 फीट, 105 फीट का है मंदिर, और मतलब इतने खूबसूरती से बनाया हुआ है इसको कि कुछ अलग सा ही दिख रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ कॉमन नहीं लग रहा, कुछ हटके लग रहा है। दे
देखो दोस्तों, ये मतलब बहुत ही मुश्किल है कि किसी की जान बची होगी यहाँ पे, इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। तो यार अपन को हमेशा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, हमेशा सावधानी, बी सेफ, बी कॉशियस, हमेशा सचेत रहो। क्यों आशीष भाई? टक्कर लगी है, टक्कर लगने में पीछे पाइप लोडेड थे ना, हाँ वो सब आगे आ गए हैं, तो जो ड्राइवर रहा होगा उसको आगे और पीछे से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये रही अपनी बीस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।